से पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ है। मुल्क की सियासी सूरतहाल, अपोजिशन की तहरीक और महंगाई पर मुशावरत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए के बारे में गाइडलाइंस, अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि ये पहले भी निकले थे, अब भी चोरी बचाने के लिए निकले हैं। महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अल्लाह के करम से कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल गेट्स, WHO समेत आलमी इदारों ने भी तारीफ की, हमने भूख और इकॉनमी हैंडल कर ली, भारत का हाल देख लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की ताज़ा सियासी सूरतहाल, अपोजिशन की तहरीक और महंगाई पर मुशावरत की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले भी निकले थे, अब भी चोरी बचाने निकले हैं। धांधली का शोर करने वालों ने इंतखाबी उजरदारियां ही दायर नहीं की। पंजाब में अपोजिशन ने 11, PTI ने 13 इंतखाबी उजरदारियां दायर की और धांधली की तहकीकात के लिए हमने मुखलिसाना पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से धांधली के सबूत ही पेश नहीं किए गए, हमारे अपने उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए से मुतालिक गाइडलाइंस देते हुए कहा कि अपोजिशन ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर कौम के साथ जुल्म किया, मुश्किल हालात में मुल्की मईशत को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं, मौशी टीम की कोशिशों से सरती पहिया चलने लगा है। उनका कहना था कि महंगाई के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में महंगाई कम हो जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मामलात का जायजा ले रहे हैं, जिन पर केसेस हैं वो चाहते हैं पुराना निजाम बहाल हो जाए। कोरोना वबा पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के करम से कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रहे। कोरोना पाकिस्तान को दीगर मुल्कों की तरह मुतासिर करता तो बहुत नुकसान होता, बर वक्त और दुरुस्त हिकमत अमली से मईशत अवाम को ज्यादा नुकसान से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना के दौरान इकॉनमी बचाने वाले ममालिक में शुमार हुआ। बिल गेट्स, WHO समेत आलमी इदारों ने भी तारीफ की, हमने भूख और इकॉनमी हैंडल कर ली, भारत का हाल देख लें। जलसों और इज्तमात में शिरकत के हवाले से SOP जारी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी, से ज्यादा केसेस वाले इलाकों को इज्तमा की इजाजत नहीं होगी। दूसरी सनाउल्लाह ने कहा है कि 16 को गुजरावाला में PDM का जलसा होगा, जिमनी इंतजामिया कठपुतली हुकूमत की गुलाम बनी हुई है। राणा सनाउल्लाह की जानिब से मजीद कहा गया कि जब से जलसों का ऐलान हुआ, हुकूमत टांगे कांपने लगी है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हमारे कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि पहले जलसे से पहले ही हुकूमत का सांस चढ़ गया है और ये जबर के साथ हमारा जलसा रोकना चाहते हैं। अक्टूबर को जिराज स्टेडियम में जलसे की दरखास्त दी गई थी, आज फैसला किया गया है कि जलसा GT रोड गुजरावाला में होगा। इंतजामिया इमरान खान और उस्मान बुजदार की मुलाजिम नहीं है, गुजरावाला का जलसा तारीखी होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। दूसरी जानेब मौलाना फजलुर्रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों के खिलाफ हमारा ऐलान बगावत है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो चुका है, खात्मे पर ही रुकेगी, हम धरा वाला नहीं लोहे के चन्ने हैं, हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे, आलमी इस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे, मुल्क को आलमी इस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
चारसद्दा में आवाम से खिताब करते हुए जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर्रहमान का कहना था कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी और अंग्रेज के खिलाफ जिदोजहद की, हम इसी रास्ते के राही हैं और वही तहरीक चलाते हुए आलमी इस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है जिसे आलमी इस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हुक्मरानों के खिलाफ हमारा ऐलान बगावत है। मौलाना फजलुर्रहमान का कहना था कि हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, गरीब का जीना दो भर हो चुका है, लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं और दूसरी जानिब हम खित्ते में तन्हाई का शिकार हैं। इन हुक्मरानों की कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, इनकी हुक्मरानी को मुस्तरद करते हैं, पसे पुश्त कुव्वतें भी अपने मुस्तकबिल के लिए इनकी पुश्त से हट जाएं, हुक्मरानों को लाने वाले मुआफी मांगें और इदारों को मुतनाज़े ना बनाया जाए। सरबराह जेगवाई ने कहा कि हम तरनवाला नहीं लोहे के चने हैं, हुकूमत मुहालिफ तहरीक का ऐलान हो चुका है, पूरे मुल्क में जलसे होंगे और यह एहतजाज हुकूमत के खात्मे पर रुकेगा, हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जलसों जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, अपोजिशन का निशाना अदलिया फौज और नैब है। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ मामलात को उलझाना नहीं सुलझाना चाहते थे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ लंदन बैठकर लोगों को बाहर निकलने का कह रहे हैं, नवाज शरीफ जो मर्जी कर लें, उनकी सियासत में जगह नहीं, ये मफाद परस्तों का टोला हर फैसला अपने हक में चाहता है, यकीन है बिलावल समझ से काम ले रहा है। और शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूं, वो पसंद नहीं करता और खुद उनके अहले खाना ने तस्लीम किया है कि वो मामलात को सुलझाना चाहते थे, वो जोड़ो कराटे नहीं करना चाहते थे, वो मामलात को उलझाना नहीं चाहते थे, वो मामलात को सुलझाना चाहते थे। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे अल्लाह के हुक्म से। शेख रशीद अहमद ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन के जलसे में लोग कम होंगे, शहबाज शरीफ मामलात को सुलझाना चाहते थे, उलझाना नहीं चाहते थे, वो इस सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, 31 दिसंबर से पहले पहले झाड़ू फिर जाएगी, 20 फरवरी तक सूरतेहाल नॉर्मल हो जाएगी, मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे जिनमें इमरान खान को अक्सरियत मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कई लोग पीटीआई वाले मुझसे खफा हो जाते हैं, 126 दिन दुनिया का सबसे बड़ा जलसा हमने किया, हम हुकूमत नहीं उतार सके, बिल आखिर हमें अदालतों में जाना पड़ा, दुनिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा हमने धरने की सूरत में किया और 126 दिन मैं इमरान खान के साथ था, 126 दिन में हम हुकूमत नहीं उतार सके, बिल आखिर हमें कोर्टों पर जाना पड़ा। शेख रशीद अहमद का कहना था कि अदालतें जमहूरियत का फैसला करती है, जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, मेरी इस बात पर पीटीआई वाले भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन यह सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा जलसा 126 दिन हमने किया लेकिन हुकूमत नहीं गिरा सके, हमें बिलाखिर अदालतों में जाना पड़ा, ऑपोजिशन का निशाना अदलिया फौज और नैब है, हम भी कह रहे थे कि हुकूमत आज गई या कल गई, लेकिन ये सारे सियासी हथकंडे होते हैं। आज कौन इनका निशाना है? फौज। आज इनका निशाना है अदलिया। आज इनका निशाना है नैब। अगर अदलिया इनके हक में फैसले करे तो मीठा मीठा हक, और फैसले ना करे तो कौड़ा कौड़ा थू। बेसिकली ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके खानदान के हक में जाए, खुद बैठे हुए हैं जनाब पार्क लेन में। वजीर रेलवे ने कहा कि ये मफाद परस्तों का टोला है जो हर फैसला अपने हक में चाहता है, नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठे हैं और लोगों को बाहर निकलने का कह रहे हैं, हुकूमत ने इनको जलसे और जुलूसों की खुली इजाजत दी है, छोटी मोटी रुकावटें होती हैं, यकीन है बिलावल भुट्टो जरदारी इस समझ से काम ले रहा है, नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, इनकी सियासत में कोई जगह नहीं। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ की जानिब से कहा गया है कि हमें गालियां देने के बजाय हमारे सवालात के जवाबात दिए जाएं, हुकूमती महाज आरआई पाकिस्तान समेत किसी के हक में नहीं है,
इस मौके पर परवेज अशरफ की जानिब से मजीद कहा गया कि कौमी इदारे हम सबके हैं, मुतनाज़े ना बनाएं। हुकूमत अपने अहदाफ में मुकम्मल नाकाम हो गई है, अदवियात और अशियाए जरूरिया की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हैं। वजीर आजम से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर जीशान खानजादा की मुलाकात हुई है। इस मौके पर फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदामात का जायजा लिया गया। इस्लामी तारीख पर मबनी फीचर फिल्म और ड्रामे मकामी सतह पर बनाने पर गौर किया गया। वजीर आजम का नौजवानों की मजबूत और तामीराती सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में सियासी उमूर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी बातचीत की गई। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था कि लूटमार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या फिर धरना दें, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और जीशान खानजादा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर इस्लामी तारीख पर मबनी फीचर फिल्म और ड्रामे मुकामी सतह पर बनाने पर भी गौर किया गया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने नौजवानों की मजबूत और तामीराती सरगर्मियां बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। रवा हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करेंगे। मुलाकात में सियासी मामलात और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने वाजे और दो टोक मौकफ इख्तियार करते हुए अपने गैर मुतजलजल बयान को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। उनका कहना था कि पहले दिन ही कह दिया था कि लूटमार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये अब जलसे करें या धरने दें, इन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से इस मौके पर कहा गया है कि तहरीक को कंटेनर नहीं रोक सकते, 16 अक्टूबर को जलसा जरूर होगा। अवाम आटा चीनी दवाई चोरों का हार कंटेनर उबूर करेगी। गोशावाला में बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत जितना चाहे पुलिस गर्दी करे, जितना चाहे कंटेनर गर्दी करे, मगर 16 अक्टूबर को जलसा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि इमरान साहब गिरफ्तारियां करें या कंटेनर्स के पीछे छुपे, वो सुन ले। आटा चीनी गैस बिजली के सताए आवाम को कंटेनर्स नहीं रोक सकते। आवाम आटा चीनी दवाई चोरों का हर कंटेनर अबूर करेगी। किराए के तर्जुमान जितना चाहे मातम करें, इमरान साहब घर जाने की तैयारी करें। दूसरी जानब लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुजरावाला में बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं, इंतजामिया शरारतों में मसरूफ है, जलसा और काफले नहीं रुकेंगे। अब तक जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कहा जा रहा था कि क्रैकडाउन होगा, फिर कहा गया कि कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। शहबाज गिल की जानिब से इस मौके पर कहा गया है कि मरियम औरंगजेब रोज सुबह शाम का हास नए झूठ से करती है। आज का ताजा झूठ यह है कि इन्हें जलसे से रोका जा रहा है। पुराम जलसा करना ओपोजिशन का हक है, जिसने गुल्लूबट बनने की कोशिश की उससे निमटा जाएगा। आवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। मसाइल के नाम पर निकलने वालों की नजर जाती रिलीफ पर है। करप टोले की हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं, जलसे करें या नारे मारें, एहतसाब होगा। उधर हुकूमत का शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और केस नैब भेजने का ऐलान। मुशीर दाखला कहते हैं जुलाई 2017 को नवाज शरीफ नाहल करार पाए। नवाज शरीफ को नाहल करार देने के बाद हलके में जिमनी इलेक्शन हुआ। N120 के इंतखाब पर 2.5 अरब रुपए खर्च किए गए। इस मौके पर मुशीर दाखला शहजाद अकबर की जानिब से कहा गया कि तरक्याती काम पहले हो गया, टेंडर और वर्क आर्डर बाद में जारी हुआ। तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फराहमी का रिकॉर्ड मौजूद है। एंटी करप्शन पंजाब ने फॉरेंसिक शवाहिद जमा कर लिए। रकम ज्यादा होने की वजह से मामला नैब को भिजवा रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि आज वोट को इज्जत दो का नारा इस्तेमाल किया जा रहा है। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ नाअहल करार पाए, जिसके बाद हलके में जिमनी इलेक्शन हुआ। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से मिलकर मनसूबा बनाया और
NA 120 के इंतहा पर 2.5 अरब रुपए खर्च किए गए। कानून के तहत ये पैसा खर्च नहीं हो सकता था। इस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ था? मरियम नवाज साहिबा, उनकी ड्यूटी लगती है कि उन्होंने ये इलेक्शन रिग करना है। उस इलेक्शन को रिग करने के लिए, क्योंकि कभी भी जिंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया, जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा होता है। NA 120 के अंदर 2.5 अरब के लगभग, 2.5 अरब रुपए के लगभग पैसा डोल आउट किया गया, फेंका गया, खर्च किया गया डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम के ऊपर। अब एक तो ये सरासर इलेक्शन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के तहत, उसके खिलाफ वर्जी है। शहजाद अकबर ने बताया कि NA 120 में जिमनी इलेक्शन आइन के मुताबिक होना था, लेकिन छांगा मांगा की सियासत करने वालों ने धांधली का मंसूबा बनाया। शरीफ खानदान ने हमेशा छांगा मांगा की सियासत को फरोग दिया। मरियम सफदर ने मंसूबा बनाया कि इलेक्शन चोरी किया जाए, जिसके लिए इन्होंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जेरी एजेंसी टीपा को इस्तेमाल किया। पहले काम किया, फिर टेंडर हुआ और आखिर में वर्क ऑर्डर जारी किया गया, और ये पैसा कानून के तहत खर्च नहीं हुआ। कभी भी जिंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया, जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो उसी छांगा मांगा की सबसे तरबियत याफ्ता मरियम सफदर साहिबा ने, और उस वक्त की जो हुकूमती मशीनरी थी जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम हैं, उन्होंने एक मनसूबा बनाया कि किस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया जाए NA 120 का। उस सिलसिले में जिस महकमे का इंतखाब किया गया पंजाब में लाहौर में, उस महकमे का नाम है टीपा। टीपा जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एजेंसी है। आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि उसका काम ट्रैफिक के निज़ाम को मसल बनाना, उसके अंदर तज़ीनो आजाइश है, सिग्नल्स हैं, रोडों की मरम्मत हो सकती है, ये उसका काम है टीपा का मेनली। तो ग्राउंड के ऊपर काम पहले शुरू कर दिया गया और पैसे उसके और टेंडर और वर्क ऑर्डर बाद में दिया गया। मुआवन खसूसी ने कहा कि इलेक्शन के दौरान तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फराहमी का रिकॉर्ड मौजूद है। नेस्पाक इंजीनियर्स ने एतराफ किया कि जिमनी इंतखाब के दौरान हल्के में काम किया। एंटी करप्शन पंजाब ने फॉरेंसिक शवाहिद जमा कर लिए हैं। केस की रकम ज्यादा होने की वजह से मामला एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं। सूबाई वजीर यासमीन राशिद का कहना था कि इस वक्त मैं शोर मचाती रही कि इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन उस वक्त हमारी नहीं सुनी गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहर में नैब की जेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स पे अहम इजलास हुआ है। नैब इलामिया के मुताबिक शुगर कमीशन रिपोर्ट और मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल का जायजा लिया गया। नैब इलामिया के मुताबिक चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील, टीम में इन्वेस्टिगेशन अफसरान, लीगल कंसल्टेंट शामिल हैं। शुगर इंडस्ट्री मामलात पर तजुर्बा रखने वाले फॉरेंसिक माहरीन भी शामिल। चेयरमैन नैब का मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इस मौके पर टीम तहकीकात गैर जानबदाराना और मेरिट पर मुकम्मल करे, और इस मौके पर चेयरमैन नैब की सूबों से चीनी सब्सिडी पर तफसीलात मालूम करने की हिदायत, चेयरमैन नैब की शुगर कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट हासिल करने की भी हिदायत। चेयरमैन नैब ने कहा कि चीनी सब्सिडी तहकीकात में तमाम अफराद को सफाई का मौका दिया जाए। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी नजर आएगी। वफाकी वुजरा फखर इमाम और हम्माद अजहर के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौसमी हालात बेहतर होंगे तो पैदावार में बेहतरी होगी। हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ऑपोजिशन को जब NRO नहीं मिला तो वो जलसे जुलूसों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स मार्केट में अशिया की कीमत बताएगी। सिंध हुकूमत हर रोज 10,000 टन गंदुम कल से शुरू करेगा। अगले चंद रोज में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी नजर आएगी। वफाकी वजीर खजाए तहफ़ फखर इमाम ने बताया कि पूरे मुल्क में गंदुम की पैदावार में 10 लाख टन कमी हुई है। आज भी हुकूमत के पास 29 लाख टन गंदुम मौजूद है। आज तक 14 लाख टन गंदुम अवाम तक पहुंचाई गई। सिंध ने गंदुम फरामी में इस्तेहकाम नहीं होने दिया। हमारे पास गंदुम का वाफर जखीरा मौजूद है। आज मुल्क से बाहर गंदुम की तलब ज्यादा है। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि मई 2011 में मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज्यादा थी, जो वाजिद ज़िया की रिपोर्ट आने के बाद 2.5 लाख टन कम हो गई है।
यह भी हो सकता है कि डाटा दुरुस्त ना हो। पंजाब हुकूमत एक से ज्यादा बार शुगर मिल्स की इंफरादी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि चीनी की दरामद पर ड्यूटी सिफर कर दी। हुकूमती काविशों से 1.5 लाख टन चीनी दरामद हुई। दरामदी चीनी 10 से 15% कम शराब पर फरोख्त की जाएगी। बाजौर के इलाके में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग में पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद। दहशतगर्दों ने फायरिंग बाजौर में आर्मी चेक पोस्ट पर की। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजौर के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की। पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवालदार तनवीर जाम शहादत नोश कर गए। जख्मी होने वाले जवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़े रहे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के वाकयात माजी में भी रौनुमा होते रहे हैं। गुज़श्ता माह पाक फौज के सिपाही साबिर शाह भी बॉर्डर पार फायरिंग वाकये में इस मौके पर दर्ज-ए-हरार शहादत पर फायज हुए थे। पाकिस्तान के बार बार एहतजाज के बावजूद अफगान हुकूमत इस हवाले से संजीदा इकदाम नहीं उठा रही। यह अमर भी काबिले जिक्र है कि भारत अफगानिस्तान में होने वाले आम मंसूबे के खिलाफ और इस हवाले से पाकिस्तानी किरदार से खाइफ है। इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयों में माजी में भारत के मुलव्वस रहने के सबूत मिलते रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जमीन का कब्जा ना छोड़ने पर पुलिस पर बरहम। अदालत का 24 घंटे में 72 किनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म। इस मौके पर पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि किस तरह कब्जा किया और वर्दियां शर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, इश्तहारी घूम रहे हैं। आबिद मली पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाए तो 50 लाख के इनाम का ऐलान कर देते हैं। आप पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाप्त की। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने जवाब जमा कराते हुए बताया कि 2003 में पुलिस से कब्जा छोड़ने का मुआहिदा हुआ, लेकिन इसने अब तक कब्जा नहीं दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अदालत ने आजी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटे में 72 किनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि स्पेशल ब्रांच वाले दरखास्त गुजारों को तंग कर रहे हैं। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, ज्यादती के केस हो रहे हैं, इश्तहारी घूम रहे हैं। आमनोमान पुलिस ने तबाह कर दिया। बताया जाए पुलिस ने किस तरह कब्जा किया, मैं वर्दियां शर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। अदालत ने इस केस को आजी पंजाब तायुनाती केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत करते हुए दरखास्त गुजार वकील से कहा कि शुक्र करें पुलिस ने आपको खुफिया जेल में नहीं डाला। आबिद मलही से पकड़ा नहीं जाता, जब पकड़ा जाता है तो 50 लाख इनाम का ऐलान कर देते हैं। अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अदालत ने राबिया इमरान के इश्तहारात तावेजा करने का हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाप्त हुई। अदालत ने अदम पेशी पर राबिया इमरान को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अदालत ने राबिया इमरान के इश्तहारात तावेजा करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज शवादुल हसन ने इश्तहारी करार देने का हुक्म सुनाया। लाहौर हाईकोर्ट ने मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा कराने के लिए 5 नवंबर तक मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान अदालत में पेश हुए। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुआवनीन और मुशीरों ने जवाब जमा करा दिया है, 2 मुशीरों ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाबर अवान और अब्दुल हफीज शेख ने कुछ वक्त मांगा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा कराने के लिए 5 नवंबर तक की मोहलत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमे जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने सीडीए से भी बनीगाला बोटेनिकल गार्डन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस की समाप्त हुई। वकील सीडीए ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के बाद मुतालिका डिपार्टमेंट सीडीए के पास नहीं रहे थे, 15 रोज की मोहलत दी जाए ताकि रिपोर्ट जमा करा सकें। वकील एराजी मालिका ने कहा कि बोटेनिकल गार्डन की एराजी 583 एकड़ है, कब्जा 725 एकड़ पर कर लिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि केस तो सिविल अदालत में चलना चाहिए, अवामी मफाद की जो वजह से इस केस को जल्द सुनकर फैसला करना चाहिए है। अदालत ने सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमे जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सीडीए से भी बनीगाला बोटेनिकल गार्डन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत 28 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स और सीनियर एंकर पर्सन और सीईओ रोज टीवी एसके न्याजी ने कहा है कि पाकिस्तान की आजादी में सूफिया कराम का बहुत बड़ा किरदार है। वजीर आजम इमरान खान को मुल्क को रियासत मदीना बनाने के लिए अमली इकदाम करना होंगे। आजम खान तफसील के साथ। वफाकी दारकूमत में अफकार जलालिया पाकिस्तान के जेर इतमाम 13वीं अफकार सूफिया कॉन्फ्रेंस मुनद हुई। तकरीब की सदारत पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर के चीफ एडिटर चेयरमैन रोज टीवी और प्रोग्राम सच्ची बात के एंकर एसके न्याजी सितारे इम्तियाज ने की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ जिसकी सादतकारी अली रजा ने हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए एसके न्याजी ने कहा कि सूफिया इकराम की तालीमात के फरोग के लिए हमें जबानी कलामी दावे करने की बजाय अमल करके दिखाना होगा और बहसियत मुसलमान हमें इस्लाम पर पूरी तरह अमल पैरा होना होगा। सूफिया इकराम ने जो बरसगीर में जो इस्लाम फैला जिस तरह पूरी रसाई हुई उसमें सूफिया इकराम का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं अर्ज करता जाऊं कि हमें उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ चीजों को जरूरी समझना होगा कि हम हर चीज अपने किरदार से साबित करें और अपने काम से साबित करें और गुफ्तार के गाजी बनने की बजाय किरदार के गाजी बने। गुफ्तार और किरदार में फर्क नहीं होना चाहिए। एसके न्याजी ने अपने खिताब में कहा कि हमें गुफ्तार का गाजी बनने की बजाय खुद अमल करके दिखाना होगा, तभी सूफिया की फिक्र पर हकीकी अमल दरामद करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये ख्वाब है कि मदीना की रियासत बने, तो मदीना की रियासत काम करने से बनेगी। मदीना की रियासत तो बनवाने में इन लोगों का बड़ा किरदार होना चाहिए। डॉक्टर बाबर अवान साहब को हम सुनते थे इस्लामी तालीमात रोज़ों में, खासकर कुरान के तर्जमा, और वो बड़ा बड़ा मुअस्सर तरीके से करते थे। कबल अज़ीं जब एसके न्याजी तकरीब में पहुंचे तो उलमाए किराम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और स्टेज से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी, वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान, डॉक्टर जफर इकबाल जलाली, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह और दीगर ने कहा कि जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहां नूर की बरसात होती है। तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नजरिया पर रखी गई जो सूफिया की मरहून मिन्नत है। कैमरामैन असद अली के साथ आजम खान, रोज न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 14 अमवात हुई है। मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 6601 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 615 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,20,463 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 3,05,080 मरीज से हतियाब हो गए। इस मौके पर कोरोना से मुतासिर 518 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 है। कोरोना वायरस से 14 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6601 हो गई।
पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,20,463 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात करें तो पंजाब में 1,01,014, सिंध में 1,40,756, खैबर पख्तूनख्वा को रुख करें तो वहां पे 38,427, बलोचिस्तान में 15,570, गिलगित बल्तिस्तान में 3,965, इस्लामाबाद में 17,526, जबकि आजाद कश्मीर में 3,198 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 49,43,734 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,916 नए टेस्ट किए गए और अब तक 3,05,060 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 518 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके फिक्र के लोगों को मुतासिर किया हुआ है। पेशावर में भी महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी पर बता रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज खान। पेशावर में महंगाई में कमी ना आ सकी। आटा, दालें, चीनी, घी और दीगर अशे खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी है। महंगाई की नई लहर से आटा, दालें और सब्जियों समेत फ्रूट की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अच्छी ममलकत वही होती है कि एक आम आदमी को उसका फायदा पहुँचे। मेरे ख्याल में आटा जो है ना, आप खुद देख लें, गरीब आदमी के लिए तो यही चीजें होती है, खुरदनोश की चीजें जो बहुत महंगी है, हर लिहाज से महंगी है। और चीनी 65 से लेकर आज 100 से ज्यादा हो गई है, सिर्फ चीनी रोजमर्रा की पत्ती का देख लें। पेशावर में अशेख और नोश की कीमतें बेलगाम होने से आवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। पेशावर की मार्केटों में 20 किलो आटे का तेला भी 1450 से तजावज कर गया है। गरीब लोग तो आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ तक नहीं खरीद सकते। गोश्त, मछली, मुर्गी तो दरकिनार है कि वो बेचारे सब्जी नहीं खरीद सकते। जो सब्जी पिछली हुकूमतों में 20-25-30 रुपए तक किलो थी, वो आजकल 100 तक बिक रहे हैं। फ्रूट तो सवाल ही पैदा नहीं को ताकि एक मिडिल क्लास आदमी बच्चों के लिए फ्रूट ले जाए। इस तरह दवाइयों के ले आपका दवाइयों की कीमतें के बेचारे जब अस्पताल चले जाते हैं तो उसके साथ वो 20 रुपए पर्ची के पैसे नहीं होते। महंगाई का जिन बेकाबू होने से चिकन की कीमत में भी इजाफा जारी है, जबकि सब्जियां खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। टमाटर 110 रुपए से जायद में शहरी खरीदने पर मजबूर है। आवाम के लिए जो है ना मुश्किलात बना हुआ है और महंगाई काफी बढ़ गई है। और जो है ना ये आटा, चीनी, दाल जो है ना ये सब महंगा हो गया है। 800 रुपए वाला चीज जो है ना 1400 का मिल रहा है। इस तरह से अभी ये चीनी जो है ना 70 का मिलता था, अब जो है ना ये 100 से भी ज्यादा हो गया है। इसी तरह अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद आम बीमारियों के इलाज के अद्वियात भी मार्केट से गायब हो गई हैं। बेतहाशा महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए ऐलानात की बजाय अमली इकदाम करे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इम्तियाज के साथ मोहम्मद एजाज खान, रोज न्यूज, पेशावर। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि मौसम सरमा में अंडे और मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। तर्जमान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मारूफ सदीकी ने कहा है कि कोरोना और बारिशों की वजह से 50 लाख चूजे खत्म होने से मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ। कोरोना के बाद शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, जिसकी वजह से तलब और रसद में फर्क आया और अंडे मुर्गे महंगे हो गए। तहम आइंदा माह मुर्गी और अंडे की पैदावार में इजाफे से कीमतों में कमी और या फिर मुस्तहकम रह सकती है। मौसम सरमा में अंडे और मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। और अब शामिल करेंगे इंटरनेशनल न्यूज। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने गुआंगडोंग सूबे के एक फौजी अड्डे के दौरे के मौके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेरियन कोर से खिताब करते हुए कहा कि फौज हाई अलर्ट पर रहे और दुश्मन के मुमकिन वार के मुंह तोड़ जवाब के लिए खुद को तैयार रखे।
पाक फौज का एजाज, आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला तीसरी बार जीत लिया। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया है। आपको बताते चलें कि पाक फौज ने आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया है। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने तीसरी बार 20 स्केटिंग मुकाबले जीते हैं। 20 स्केटिंग मुकाबले सैंडहर्स्ट बरतानिया में हुए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल ने नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया ने पाक फौज के पेशा वराना मयार की तारीफ की। पाक फौज के जवानों ने ड्रिल बर्ड टर्नआउट का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। हाई कमिश्नर मुआज़्ज़म अहमद खान ने पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी। और दूसरी जानिब मिसबाह उल हक का चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। बोर्ड से इख्तलाफात हैं, न किसी खिलाड़ी से चेयरमैन या वजीर आजम से मुलाकात इस्तीफे की वजह नहीं। मिसबाह उल हक ने मजीद कहा कि काम की नहीं अपनी मसरूफियात की वजह से ओहदा छोड़ा, अफवाहों में सच्चाई नहीं, वरना किसी भी ओहदे पर ना होता। चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी 30 नवंबर तक निभाता रहूंगा। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जो FTP है वो बहुत ज्यादा की बैक टू बैक इवेंट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें कि वर्ल्ड कप हैं, फिर आपकी एशिया कप हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीजें हैं और मोस्टली मुझे भी बाहर रहना है टीम के साथ। तो आई थिंक ये इस टाइम की एक जरूरत है, जिसको देखते हुए क्रिकेट की इंपॉर्टेंस और उस पाकिस्तान टीम के साथ जो है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पे अब मैंने इस तरफ जाना है, ताकि जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कोई और बन। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसका बाजाबता ऐलान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह उल हक का कहना था कि बोर्ड से इख्तलाफात हैं और ना ही किसी खिलाड़ी से कोई इख्तलाफ है, चेयरमैन से मीटिंग या वजीर आजम से मुलाकात इस्तीफे की वजह नहीं, काम सही या गलत की वजह से नहीं, आने वाली मसरूफियात की वजह से ओहदा छोड़ा, अफवाहों में सच्चाई नहीं, वरना किसी भी ओहदे पर ना होता। बोर्ड की मुशावरत से तनख्वाह मिलती थी, अब जो काम करूंगा इसी का मुआवजा मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी जो पैशन है वो ऑन द फील्ड है, फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व होना, काम करना। रिसेंटली मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एनर्जी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी देर मेरे अंदर एनर्जी है, आजकल की जो कोचिंग है उसकी बहुत डिमांड है, फिटनेस चाहिए आपको, आपने फिजिकली जाके प्लेयर्स के साथ फील्ड पे काम करना होता है, स्पेशली अगर बैट्समैन है उनके साथ टेक्निकली आपने काम करना है, तो आपको उनको फील्ड करना है, फील्डिंग में आपने उनके साथ रहना है। मैं समझता हूँ अभी मेरे अंदर वो एनर्जी है, फिटनेस है, मैं इसको कर सकता हूँ। हेड कोच का कहना था कि मैं कोचिंग पर भरपूर तवज्जो देना चाहता हूं और बोर्ड को भी बता चुका हूं, आजकल की कोचिंग के लिए फिटनेस की जरूरत है और मुझ में अभी एनर्जी है, हेड कोच के तौर पर हार और जीत का जिम्मेदार रहूंगा। मेरी नजरें अगले 2 बरस की कमिटमेंट पर है। हमारा सबसे बड़ा हदफ तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाना है। चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी 30 नवंबर तक निभाता रहूंगा। वॉक एंड में POF स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में मुनाकिद हुआ। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी चेयरमैन POF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री थे। उन्होंने अपोजिशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। कामरान अशरफ तफसील के साथ। वाकेट में PF स्पोर्ट्स बोर्ड के जेरे तमाम आल पाकिस्तान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। फाइनल मैच पाकिस्तान एयरफोर्स और हाइडल वापचा के माबैन खेला गया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए आल पाकिस्तान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी चेयरमैन PF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री थे। उन्होंने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए, जबकि विनर अप टीम को 2 लाख और रनअप टीम को 1.5 लाख नकद इनामात दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन PF बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और खेलों के मुकाबलों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तासर उजागर होगा, जबकि नौजवान नस्ल की तख्लीकी जिस्मानी और जहनी सलाहितों को निखारने के लिए ग्राउंड आबाद करना होंगे, ताकि नौजवान नस्ल अपने टैलेंट के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और PF इंतजामिया खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। जबकि आखिर में PF स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर मोहम्मद तौफीक और उनकी पूरी टीम को शानदार टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन चौधरी वसीम तुफैल के साथ काम शवान, रोज न्यूज, टेक्सला।
और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होने की नवीद सुना दी है। आलमी मुआशी मंजरनामे की रिपोर्ट में आईएमएफ ने लिखा है कि अगले साल 2021 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.8% होने का इम्कान है, जबकि रवां साल 2020 में यह शरह 10.7% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ सकती है और इस साल बेरोजगारी की शरह 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% होने का खदशा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जीडीपी में शराय नमू जो रवा साल 4% है, वो अगले साल बेहतर होकर 1% रहने की तवक्को है। खबरों से अब तक के लिए इतना ही, अभी एक ब्रेक जिसके बाद न्यूज हेडलाइंस।